अच्छा है इन लोगों के लिए, थोड़े आप लोग जल्दी जो है बात कर लें, उनसे अपने वीडियो में जैसे मैसेज से मैसेज रिसीव, वरना मैसेज हो रहा है अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, उर्दू में कर सकता हूँ, रशियन में कर सकता हूँ, अंग्रेजी में कर सकता हूँ। तो जे शाही दस्तरखान पे मेहमान हजारे मुंह नर हो, तो जे जुल्फ जे बंद कमंद विधा जिंदान हजारे मुंह नर हो। तो मानो ख्याल जो कह दे रहा है, सोच समझ बुनियादी गाल तो उन जी तलाश में मानो रहे थे अवाम इतने उनकी तलाश में है। थी सके तो कहीं तक बुधा तो पाकिस्तान अंदर एक मुहिम हल पी जैसे सिंगल करिकुलम जो नालो मिल नेशनल करिकुलम ए नौजवान शहजादा शहजाद सब मता इन तलाश में है, मता बी का तलाश हो जाए थी। तो ये ख्याल सोचो इंसानी दिमाग में सदाई खेण वो तजल है, ये खेण चमकंदी है, वो ख्याल एक पैटर्नाइज ठाईंदा वो वो रस्तो ठाईंदा उन रस्ते से मानू हल्दा सो जी तुम डॉक्टर शुजा महेसर साहब सजो पाकिस्तान जो नक्श उचे टे वे पाकिस्तान कायद आजम तो वो अंग्रेज मानू ही वॉज अ थारोली जेंटलमैन आई नेवर सॉ इन द लाइफ एक्सेप्ट चर्चिल हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके जेंटलमैन ए सिंध अजा तुम जै नमूने से ओनरशिप मिलन घुर्ज क्योंकि सिंध मुतमनी है, सिंध निहारे पे स्टेट का वफाक का सिंध के यो एजाज है। तो जो रेजोल्यूशन पर पाकिस्तान जो रफीक साहब पास हुआ है कि सिंध को एजाज है कि सिंध ही पास कर अवां पास कर ए 1940 की करारदाद जो तस्वुर में सिंध दिनो वो बाद में भी वो रेजोल्यूशन पास थो। यू नो यू आर द फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए खबर होजन घुर्ज तो बुनियादी तरह तक इलम की तलाश में आयो ए चश्मा सुकी वह दरिया में सुकी वह नंढड़ी नंढड़ी खूह भी आज मत थी तो खूह का नंढड़ी चुनाव सिंधी में कसी कसी माना नंढड़ी अड़ी जहाँ बारी जमा हाँ तो पुठण आरे जो पुट कसी बीठी है कसी मन नंढड़ी भी वाहड़ी वादी है इतना पेर रखी इतने रखो मानो मंदिर पर अच्छे कसी वो कसी में पानी की नाली उतने जिते शिपिंग थी उतने जैसे बिज को अगर जो दाणो उछलो कणक जो दाणो उछलो जहाँ भी शे होंगी वह फुटंदी है। सो इलम जहाँ मुतलाशी जी उनको पहरों रस्तो पहरी कसी जी तागिर्द ऐसा हे तो फिक्र के मेम्बर तो हिता आलिम हे तो दरिया टपे वेठा तो वह कसी जी तपे बिज तिस्म जो सीड्स जो उछली है उभर ए वो सीड्स जो हों जो बिज हों जो दरख्त फुटन जो बूटो फुटन जो मेवो ढो या अनाज जो फसल आ वो हों करिकुलम करिकुलम जो लैटिन बोली जो लफ्ज है जैसे माना है अड़ो छपड़ो जैमें घोड़ा चार बदल हो छके मंजिल पहुंचाए। सो करिकुलम जो बुनियादी तरह अलिफ अख ए बेबित वापी वड़ तारा गोल तारा रोशन तारा चिल्के चिमके वा उब सजे चिमको था साजी ताणी चिमको था। तो ये जो बैत पढ़िया थे करिकुलम अस यो नक्शो ठा नक्शे तर बो दर्जो टों दर्जो चौथों दर्जो बार की इल्मी जहनी सतह इन्वायरमेंट हाँ मुझे रिजर्वेशन आए रफीक साहब मैं इस चीज से मुतफिक हूँ नेशनल करिकुलम जो सिंगल नॉट अ होल बट इट शुड बी इन द पास जैसे नेशनल करिकुलम है मैंने भी पहले ये मुझे शहादत है आपको पता है जिसको इमरान खान प्रेजाइड करना था शायद खान साहब नहीं आ सके थे हमारे शफकत महमूद साहब को प्रेजाइड कर रहे थे तो मैंने बात की
क्योंकि गालियों पेट वरन बदी बण थियो मु न कजो कोशे प्री जन संधि करे सका गाली घणी गाली ई रहियो ने ई वाइस चांसलर आ ई चांसलर आ ई जनरल आ ई सरदार आ ई प्रोफेसर आ ता डप का से चई लगा से असा कोटन ने टाइम थाका कोड़की वाली ये बड़ी कोड़की पाणी कोन इता बाहर निकला ता थोड़ी का पगर तो ये भी कोड़की उन समाज ये कोदा पर यूरोप में मगरब में मालूम है कोड़की का मामला आ रहा खुल कर है खुल कर है खुल कर पहला प्यार आए हुए था गुल खूबसूरत था उन हुसन बे खुशबू जो झूठो आ उन पे प्यार कर करिकुलम तो तमाम बड़ी शय है तमाम बड़ी शय है जो चैलेंज आ सके उनते असा के अगर मगर न जन करे जेके भी रिजर्वेशन है जो जो रफीक साहब इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो नमय जो किया एंड आल्सो आई नो द रफीक साहब इज द ग्रेट स्कॉलर ही इज अ हंबल टीचर ही इज अ हंबल मैन दो ही इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी 21 ग्रेड बट ही इज नॉट अ ब्यूरोक्रेट ही इज कोड़के में बदना है भाई हूं मेरे कोड़के में तो आप बंद था जो ख्याल उड़ना ख्याल उड़ना कौम की बर्जिस्ताई कौम की सरबुलंदी कौम की इतका उनकी कामयाबी ख्याल तो अज नौजवान अज बार सुबह इंजीनियर आए वकील आए डॉक्टर आए पॉलिटिशियन आए इन मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर आए इन मुल्क जो सदर आए मुमकिन है यूएन का जनरल सेक्रेटरी तो जहन के खुल रखो जहन के बंद न कर करिकुलम की मुझी रिजर्वेशन मेरी ये है कि इसके मेजर पार्ट जो है यानी लैंग्वेजेस जो है जैसे इंग्लिश है इट शुड बी इंटीग्रेट बिल्कुल इंटीग्रेट होना चाहिए इंग्लिश को साइंस सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी लगभग साइंस सब्जेक्ट दे शुड बी इंटीग्रेट वो इंटीग्रेट होने चाहिए क्योंकि उसका जब रिलेशन होगा तो वो मजबूत होगा एक्सप्रॉस होगा लेकिन दूसरी बात जो है जैसे लैंग्वेजेस हैं लोकल हमारी सिंधी लैंग्वेज है या समाजी इतिहास जो बनाई जा रही है समाजी इतिहास की मेरी गुजारिश होगी तो उसको आप यानी कि मारूदी हालात और उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यानी कि इस्लामाबाद का बंदा बैठ के सिंध को रिप्रेजेंट करेगा बलोचिस्तान के मैंने भी नहीं देखा आज वो चमन मस्तूम जैसे हम सुनते हैं इधर भाई दर्री बोली जाती है बलोचिस्तान को उस पार इधर भी असर है बलोची का असर है केपी में वैसा है पर्शियन बोली जाती है उधर भी इधर भी असर तो उनको सोशल स्टडी और जैसे पश्तो है पंजाबी है सिंधी है बलोची उस टेक्स्ट बुक्स को इंडिपेंडेंट यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे छोड़ा उनको पावर दिया जाए आज़ादा तौर पर जैसे वो उनको रिव्यू कर सकें उसकी लैंग्वेज सही कर सकें और उसको दुरुस्त कर सकें वो बुक के कारण वरना ऐसा हुआ असल इस कंटेक्स्ट में हम ले जाएंगे सिंधी को भी यानी कि पश्तो को पंजाबी को तो वो इंटीग्रेट नहीं होंगे और सोशल स्टडी दो इट्स इंटीग्रेट सब्जेक्ट जियोग्राफिकली जो चेंजेस आ रहे हैं वो अलग इतना हो रहे हैं जैसे कोविड-19 कोविड तो नहीं देखेगा ये गवर्नर है या रफीक है या फहीम है वो उसको पकड़ेगा ब्लैक टाइगर्स खड़े थे हजारों की तादाद में वाशिंगटन व्हाइट हाउस में उधर भी सड़क को जाकर पकड़ा ट्रंप तो पोस्ट कोविड जो रफीक साहब हो रही है चेंजेस मैं यकीन से कह सकता हूँ पोस्ट कोविड ये मंत्रनामा नहीं होगा ये ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी ये फ्यूडरल नहीं होगी ये सरमाएदारी शायद नहीं होगी सरमाएदारी शिकस्त खा चुकी है कोविड में आप देखें जो एग्रीकल्चर कंट्री हैं वो ही कोविड से बच पाए या जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वो बच पाए क्योंकि उनके पास एक डिफरेंट मैकेनिज्म था दूसरा एग्रीकल्चर में यानी क्वारंटाइन नेचुरल है और दूसरा फूड नेचुरल है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बिटवीन टू स्टेट एंड पीपुल between to the international level and economic sources, between the continent to continent, new social contract, education में भी होगा इसको आप मद्देनजर ज़रूर रखना
ये जो आज हम बात कर रहे हैं न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, हो सकता है इंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट हो। वैसे तो मैं अमेरिका में आए वहां न, मैं तो हरी का बच्चा हूँ, हरी लोग मुझे माँ बहन है कोरोना के साथ ये कुआ कम कर दे मन में बचाए थे। तो गाल जो मकसद आता तो अमेरिका में ऐसा करिकुलम ई रिटो से काउंटी लेवल ते भी आए, पर जिकने हाई स्कूल आए नाइन दर्जे जा चार ए बी सी डी सेक्शन सुन तो साइड बेस्ट करेगा, यानी हिते डिसी माता गल है तो मुझे गाली भी गणी। आई थॉट फैकल्टी होंगी बाय चांस हों तहां के ॾिसी करे ऐं डिज़ाइन करे त कहिड़ी वॾी कढो जीअं साईं खां चार पटनि सिंधी में ॻाल्हायां ऐं मोतबरी में ॻाल्हायां ॿी का ॿोली ऐं उहो राजड़ खां सम्झे ई न जेको मथे वेठो आहे उहो ॻाल्हि त मुंहिंजी अधूरी रहिजी वई। सो ए बी सी डी जेकी क्लास आहिनि अमेरिकन में, मां जॾहिं फुलब्राइट प्रोग्राम में पी एच डी में रिसर्च मेथडोलॉजी में, त उनमें डी वारे खे अख़्तियार हूंदो साइट बेस्ड करे पढ़ाए। जेकॾहिं सम्झे थो त हिन क्लास लाइ हीअ किताब फ़ाइदेमंद आहे, छो त असुल एजुकेशन वट इज़ द एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स नॉलेज, एजुकेशन मीन्स स्किल टू अचीव द स्किल। परंदे खे कीअं मारिजे, बंदूक तव्हां जा तूं फायर कीअं करे, निशाने ते कीअं लॻे, स्किल ते एटीट्यूड एंड बिहेवियर, असांजो एटीट्यूड ऐं बिहेवियर ज़ाहिर थिए एजुकेशन मां, दिस इज़ द एजुकेशन। सो उहो इंटीग्रेट लेवल ते वठी वञण खां अॻु में हम ज़रूरु इसको फिल्टर करे कौन सी चीज़ें सुबुह के पास रहनी चाहिए, क्योंकि ये ऑटोनॉमस का भी क्वेश्चन है 18 अमेंडमेंट के बाद, यू नो बेटर देन मी आई नो, लेकिन ये अच्छा पैमाम आप रफीक साहब लाए, हम इसमें बिल्कुल खुश हैं कि साइंस के सारे सब्जेक्ट और जैसे इस्लामिक और दूसरा वर्ल्ड को थ्रेट जो है ना कि सोशल कॉन्टेक्ट में, ये बैनुल मज़ाहिब यानी हमारे लिए हर मतलब मोहतरम है, हर लैंग्वेज मोहतरम है। लेकिन अभी मैंने इंग्लिश की किताब उठाई, दो आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ विद द फीडबैक ऑफ बुक, आई हैव कंप्लीटेड माय सुपर रीडर, आई एम गोइंग टू एडवोकेसी इन हाई कोर्ट सेशन बोर्ड, बट उसमें भी मेरा सब्जेक्ट जो है एचआर एंड इमिग्रेंट्स लॉ फ्री, नेवर टेक अ सिंगल पेनी फ्री। तो मैंने देखा, क्योंकि ये मेरी बैड हॉबी है, मैं किताब को जरूर देखता हूँ, 10-12 किताब को देखता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। आप मक्खन सामने रखें सर तो उसको ऐसे अटैच करेंगे, यानी विटामिन का एक हिस्सा तो आपने ले लिया है बाबा, किताब ऐसा दोस्ती रखो, ये सूटन फूटन कम किताब, पुराना कोट किताब खरीद करें। तो मैंने किताब भी देखा, रफीक साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था अंग्रेजी की, अरे नबी हमारा ऐसा है कि उस जैसा पैगंबर तो दुनिया में पैदा नहीं होगा, ही इज अ ग्लोबल लीडर फॉर द होल एज फॉर द होल टाइम। लेकिन अंग्रेजी के साथ मुकालम किया गया, उसमें भाई लिखा है कि नोटिफिकेशन मिला है, ये ऐसा लिखिए ऐसा लिखे, हम पहले लिखते थे यू वर ऑल्सो एडिशनल director since long time, you are a scholar, that's why I am talking, if you would be the bureaucrat, I never ask the bureaucrat to jaya gati, basic naam ka DCS view, main kehta hu 8 se zyada darje ka CS, navi ka jo padhta hai na wo fail ho jata hai, pehle se 8th padhega CS pass karega sare ke liye, to aap scholar hai aap madde nazar rakhe, pehle PhD apna naam likhte the, abhi usme sab sindhi mein likha hua hai, aadha urdu mein likha hua hai, kya likha hua hai aap dekhe। तो आपने जिस तरीके से मुझे सुना, मेरी इत्तेमाद यह है आप गौर करें कि ये करिकुलम जो रफीक साहब लाए हैं कि साइंस के सब्जेक्ट और इंग्लिश का सब्जेक्ट तो होना चाहिए, आपकी क्या राय, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन सिंधी सब्जेक्ट को आप न छेड़ें, वो सिंध को दें और सोशल स्टडी ड्रामा को दें, सिंध की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान इंटीग्रेट, गिलगित से बल्तिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक इसको रखेंगे, तो बिल्कुल ये बच्चे उससे इफ्तादा करें। बड़ी मेहरबानी।